रानी चाय बना दियो और साथ में पकौड़न भी। लियो जी चाय और साथ में गर्मा गर्म पकौड़ो। मजा आ गयो चाय पीकर। सुनियो जी हमको अच्छो लगो रानी। रानी कौन रानी? तुमरो दियो हमका नया नाम रानी। अच्छा ऊ तो हम शॉर्ट में बोलियो थे। का शॉर्ट में? तो फुल में का होत है? नौकरानी बहुत लंबो हो जायो है ना, इसलिए रानी बुलात थे। अच्छो तो तुमका पतो है हम तुमका जान क्यों बुलात है? क्यों? काहे कि जानवर बहुत लंबो हो जात है ना, शॉर्ट में जान बुलात है। का तुमका हम जानवर दिखत है? तो तुमका हम नौकरानी दिखत है। मम्मी पड़ोस वाली आंटी आयो है। बिमला एक कटोरी शक्कर दियो, हमरे घर में मेहमान आयो है। अच्छो तुमरे घर में तो कल भी मेहमान आयो थे, चाय पत्ती ले गई थी हमसे मांग कर। हाँ हमको याद है, सूद समेत लौटा दियो अगले महीने। ठीक है हम लात हैं। भाभी जी आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और आपका ये रोज वाला परफ्यूम, वाह क्या सुगंध है। का भाई साहब आप ही मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखियो। ये लो शक्कर और साथ में दूध भी। दूध की क्या जरूरत थी, दूध तो हमरे घर में है। ठीक है तो हम वापस ले लेते हैं। नहीं अब तुम इतने प्यार से दे रहत हो तो ले लेते हैं। कंजूसन कहीं की। और तुम ओकी परफ्यूम तो तुमको पतो है, हम कौन सा परफ्यूम लगाते थोड़ा बताई दो। परफ्यूम तुम कहाँ लगाते हो परफ्यूम? नहीं लगाते हैं, रोज लगाते हैं परफ्यूम, लेकिन तुमका पतो नहीं है। पड़ोसन की परफ्यूम की खुशबू लेने से फुर्सत मिले तो ना, बीबी की परफ्यूम की खुशबू का पता चलो। का तुम भी बातन बातन पर सिंग निकाल कर लड़न को तैयार रहत हो? सिंग निकाल कर सिर्फ लड़न को तैयार नहीं रहत है, आज तो उस सिंग तुमरे पेटन में घुसा दियो। रुको अभी आते हैं।